बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल नेशनल शॉर्ट हैंड एकेडमी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में लेटर हैं के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे और ये। चैप्टर नंबर 3 में इन वर्ड्स के साथ हमने सेकंड प्लेस वावल जो पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे, लॉन्ग ए शॉर्ट ए, लॉन्ग ओ शॉर्ट यू, वो इन स्ट्रोक के साथ लगाएंगे और वर्ड बनेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में के, गे, एम, एन, इंग, एल, वे और ये जो कॉन्सोनेंट हैं इनके साथ हम सेकंड प्लेस वावल की प्रैक्टिस करेंगे। तो चैप्टर नंबर थ्री का जो ए सेक्शन है उसमें पहला वर्ड है एक, ACHE, एक। हमने के लिखा ऑन दी लाइन पे, ए पहले आ रहा है, के बाद में, तो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट, लॉन्ग ए को शो करेंगे, एक। उसके बाद है एग, इसमें स्ट्रोक गे है, गे, और ए की जगह पे लाइट डॉट एग। उसके बाद है गे, गे स्ट्रोक ऑन दी लाइन पे, सेकंड पे हैवी डॉट, लॉन्ग ए को शो करेंगे गे के बाद। हॉरिजॉन्टल में ये होगा स्ट्रोक से पहले और ये स्ट्रोक के बाद। अब ये स्ट्रोक लिखा, स्ट्रोक के बाद लॉन्ग ए, गे और ए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैग, इसमें दो स्ट्रोक होंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, के और गे। ए पे लाइट डॉट कैग को शो करेंगे। उसके बाद है केक, इसमें दोनों ही के स्ट्रोक हैं, के और फिर के, लॉन्ग ए, के, उसके बाद के, केक। अब है एम, एम ऑन दी लाइन पे लिखेंगे, ए पहले आ रहा है तो लॉन्ग ए, एम, में, एम लिखेंगे ऑन दी लाइन पे, एम के बाद आ रहा है सेकंड वे हैवी डॉट, मे। उसके बाद है मेक, इसमें एम और के दो स्ट्रोक हैं और ये लॉन्ग ए, मेक। उसके बाद है केम, के और एम, लॉन्ग ए, केम। उसके बाद गेम, केम और गेम में सिर्फ गे का फर्क है, गे और एम, लॉन्ग ए। गम, गे, एम। अब यू आ गया, यू शॉर्ट लाई डैश गम। उसके बाद है सी ओ एम बी, बी साइलेंट है, कॉम, कंगी, के और एम, हैवी डैश ओ को शो करेंगे, कॉम, लॉन्ग ओ को। उसके बाद है नो, एन ऑन द लाइन पे, ओ के लिए हैवी डैश सेकंड पे नो। अब ये नो और के एन ओ डब्ल्यू नो लिखने में सेम ही आएंगे ऑन दी लाइन पे और ये हैवी डैश सेकंड पे। नेम, इसमें दो स्ट्रोक हैं, एन और एम, लॉन्ग ए पे नेम। नेक, एन और के स्ट्रोक हैं और ए के लिए ये लाइट डॉट सेकंड पे नेक। आगे बी पोर्शन शुरू हो गया, एल, अब इसमें एल स्ट्रोक हमारा ऑन दी लाइन पे लिखेंगे, लॉन्ग ए के लिए हैवी डॉट एल। उसके बाद है ले, हैवी डॉट एल के बाद लो लेड, इसके साथ ही डील कर देंगे, लेड बन जाएगा। पहले स्ट्रोक पूरा करेंगे आउटलाइन, उसके बाद वॉवल लेड। अब लेड, इसमें और इसमें सिर्फ वॉवल का फर्क है, इसमें लाइट डॉट, उसमें हैवी डॉट। उसके बाद है लेक, इसमें दो स्ट्रोक एल और के
और लॉन्ग ए, जिस तरह हमने ये पढ़ा था ले, और साथ में के लगा देंगे, लेक, डिले, इसमें दो वॉवल आएंगे, डी ये एल, ए के लिए ये वाला लाइट, और ए के लिए लॉन्ग ए के लिए डिले। उसके बाद आ गया लो एल, और लॉन्ग ओ के लिए हैवी डैश लोड, इसके साथ डी लगा देंगे, लोड बन जाएगा एल, और ये डी लॉन्ग लोड। बिलो, इसमें भी दो वॉवल, बी, बी के बाद ये और एल के बाद ओ, जिस दिन हमने लो पढ़ा था, ये बी लगा देंगे, बिलो। उसके बाद है लव, एल और वी स्ट्रोक, ओ के लिए हैवी डैश लव। उसके बाद है लक, जिस तरह हमने लेक पढ़ा था, इस तरह लक, एल और के, यू के लिए लाइट डैश। उसके बाद है लंग, एल इंग, यू के लिए लाइट डैश। आगे है कोल, लॉन्ग ओ, के और एल, लॉन्ग ओ के लिए सेकंड पे हैवी डैश। कोल और गोल में सिर्फ गे का फर्क है, मेल। इसमें एम और एल स्ट्रोक, लॉन्ग ए के लिए सेकंड पे हैवी डॉट, ए को शो करेगा मेल। नेक्स्ट आ गया सी पॉइंट, आ गया वे, वे स्ट्रोक हमारा ये वाला, लॉन्ग ए के लिए ये हैवी डॉट, लॉन्ग ए को शो करेगा वे। डब्ल्यू ई आई जी एच, इसके स्पेलिंग वही है, डिफरेंट है लेकिन साउंड उसकी वे वाली है, तो वे लॉन्ग ए, वे, वो। वे के साथ अब ओ आ गया सेकंड पे हैवी डैश वेब। वे और बी स्ट्रोक हैं, और ए का लाइट वॉवल होगा वेब। उसके बाद है वेड, वे और डी ये लाइट डॉट, ए को शो करेंगे वेड। डब्ल्यू ई डी जी ई वेज, इसमें डी साइलेंट और सिर्फ जे की साउंड आ रही है, वे और जे स्ट्रोक होंगे, वे और जे, और ये लाइट डॉट वेज। उसके बाद है योक, ये स्ट्रोक और के, ओ के लिए हैवी डैश सेकंड पे। उसके बाद है येलो, इसमें दो स्ट्रोक होंगे, ये और ये एल, जिस तरह हमने ऊपर पीछे लो पढ़ा, तो ये का लाइट और लो का ये येलो। आगे इसी चैप्टर का जो डी पॉइंट है वो है, पहला लफ्ज में है टेक, इसमें दो स्ट्रोक होंगे, टी के, लोंगे के लिए हैवी डॉट सेकंड पे टेक। उसके बाद है चेक, जे के दो स्ट्रोक और ए के लिए लाइट डॉट सेकंड पे चेक। तीसरा लफ्ज है जोक, इसमें जे और के दो स्ट्रोक, लोंगों के लिए हैवी डैश सेकंड पे। अगला वर्ड है बी केम, BECAME, बी केम, सॉरी ओ लिखा गया, बी केम लफ्ज है, तो लिखेंगे बी के और एम, बी के बाद ए वाला वॉवल बी, और के बाद ए वाला, बी केम। आगे है लफ्ज बैग, दो स्ट्रोक, बी और गे, ए के लिए लाइट बैग। उसके बाद है शेक, इश और के स्ट्रोक, लॉन्ग ए के लिए सेकंड पे हैवी डॉट शेक। उसके बाद है फोक, एफ ओ एल के, इसमें एल साइलेंट, लफ्ज है फोक, एफ और के, ओ के लिए डैश शेम। इश और एम, लॉन्ग ए के लिए हैवी डॉट शेम। टी एच यू एम बी, थम, बी साइलेंट, तो इथ और एम स्ट्रोक होगा, यू के लिए लाइट डैश लंच। इसमें तीन स्ट्रोक होंगे, एल
एन और चे, यू के लिए लाइट डैश, बंच बी एन और चे, यू के लिए लाइट डैश, आ के लिए चेंज, लोंग ए आ गया इसमें, चे एन जे, लोंग ए के लिए हैवी डॉट सेकेंड में चेंज, लेंथ LENGTH लेंथ, LN और इथ, ए के लिए लाइट डॉट सेकेंड पे लेंथ, TONGU टंग, टी और इंग स्ट्रोक होगा हमारा, यू की आवाज आ रही है, टंग आ के बाद लाइट डैश, उसके बाद आ गया इसके साथ ही इन्हीं का ही लेसन है चैप्टर नंबर 3 में है कि इन फ्रेज द स्ट्रोक एल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। अगर तो किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ या किसी के साथ हम स्ट्रोक एल को फ्रेज करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो विल की आवाज़ देगा, जैसे लफ्ज़ है इट विल, इट ये एल होगा, इट विल, विच विल ये विच, ये एल स्ट्रोक में जोड़ेंगे तो विच विल, हु विल ये हमारा हु था, ये एल जोड़ेंगे हु विल, दे विल, दे और ये एल होगा दे विल, इट विल बी, इट विल बी, इट विल हैव, इट विल हैव, पीछे हमने हैव शॉर्ट फॉर्म पढ़ ली थी, दे विल बी, दे विल बी ये, दे विल हैव, दे विल हैव, ये चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में आगे शॉर्ट फॉर्म है इनकी, के गे एम एन इंग एल वे, ये चैप्टर नंबर 3 की शॉर्ट फॉर्म होंगी, जो के होगा हमारा ऑन दी लाइन पे, के बगैर किसी वावल के वो कम को शो करेगा, जो हमारा गे स्ट्रोक ऑन दी लाइन पे होगा वो गिव और गिवन सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, गिव और गिवन के लिए यूज़ होगा गे स्ट्रोक, हिम जो हमारा एम स्ट्रोक होगा ऑन दी लाइन पे, एम बिना किसी वावल के वो हिम को शो करेगा, थिंग जो हमारा इंग स्ट्रोक होगा वो थिंग को शो करेगा, जो हमारा खाली एल स्ट्रोक होगा वो लॉर्ड LORD लॉर्ड को शो करेगा शॉर्ट फॉर्म, और जो वे स्ट्रोक हमारा अगर इसके साथ वावल है तो वो ये वाला वे होगा, अगर बगैर किसी वावल के वे स्ट्रोक होगा तो वो वी को शो करेगा। तो आज का ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, के गे एम एन इंग एल वे, ये इनके साथ हमने चारों वावल सेकंड प्लेस वावल पढ़ लिए और इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 4, 5 और 6 ये चैप्टर नंबर 3 में आएंगी। तो आज का लेसन यही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।